लोकसभा चुनाव को लेकर SDPO सुमित सौरभ लकड़ा की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला बल RPF एवं GRP के साथ एक सामान्य बैठक की। यह बैठक लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा को लेकर RPF एवं रेलवे पुलिस के साथ बैठक की। RPF व GRP सुरक्षा में मुस्तैद रहेगी। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाने पर बात कही गई। चुनावों के दौरान ट्रेनों में गैरकानूनी सामग्री के आदान प्रदान पर RPF व GRP की पैनी नजर रहेगी। इतना ही नहीं, संदिग्ध व्यक्तियों व वस्तुओं की तलाशी अभियान भी चलेगा। यहाँ 1 जून को लोकसभा चुनाव है, जरूरत पड़ने पर काम आ सके। लोकसभा चुनाव में हम लोगों को समन्वय की आवश्यकता है। और इसके अलावा 24 मई शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह का मधुपुर में आगमन और जनसभा है, इसको लेकर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि जिला बल RPF एवं GRP टीमों के मध्य समन्वय बना रहे ताकि चेकिंग को प्रभावी रूप से किया जा सके। DSP ने कहा कि 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को यहां वोटिंग होनी है, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्थाएं कड़ी की जा रही हैं और व्यवस्था पड़ने पर आवश्यकता पड़ने पर हम लोगों को समन्वय की आवश्यकता होगी। रेलवे स्टेशन पर आने वाले वाहनों की जांच प्रतिदिन, रेलवे स्टेशन पर आने वाले वाहनों की नियमित रूप से तलाशी ली जाएगी। बैठक में अंचल पुलिस निरीक्षक अवधेश कुमार, पुलिस निरीक्षक थाना प्रभारी सतीश गोराई, RPF इंस्पेक्टर हरिंद्र सिंह, GRP सब इंस्पेक्टर बीरबल राम, RPF सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र प्रसाद उपस्थित थे। जिला बल RPF GRP इन लोगों के बीच में एक समन्वय बैठक का आयोजन किया गया था ताकि कभी ज़रूरत पड़ने पर हम लोग एक दूसरे के काम आ सके। तो ये लोकसभा चुनाव को लेकर भी इसमें हम लोगों में समन्वय की आवश्यकता है और कल जो प्रोग्राम होने वाला है उसके लिए भी, तो ये बैठक इसी के लिए बुलाया गया।